दोस्तों, अगर आप छुट्टियों में झरने, घने जंगल, इतिहास और परंपरा का आनंद लेना चाहते हैं तो त्रिपुरा से अच्छी जगह कोई नहीं है। कला और संस्कृति में समृद्ध 19 जनजातियों की भूमि त्रिपुरा हरे भरे पहाड़ियों में बसा है। त्रिपुरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुरम्य स्थानों के साथ दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ आकर आपको ट्रैकिंग और खरीदारी का अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ट्रैवल कार्निवल। नंबर 10 पर आता है जम्पुई हिल्स। जम्पुई हिल स्टेशन अगरतला से 250 किलोमीटर दूर जम्पुई की शाश्वत पहाड़ियों पर स्थित है। हालांकि ये शहर से बहुत दूर है, लेकिन ये यात्रा आपके लिए एक शानदार अनुभव होगा, क्योंकि पूरे साल ये हिल स्टेशन इसके सुखद मौसम के लिए जाना जाता है। जम्पुई पहाड़ पर संतरे का बड़ा उत्पादन होता है, जिस कारण इसे त्रिपुरा के कश्मीर के रूप में भी जाना जाता है। हर साल त्रिपुरा में ऑरेंज एवं टूरिज्म फेस्टिवल नवंबर महीना में मनाया जाता है। फलों के उत्पाद का आनंद लेने के लिए भारत और विदेश से पर्यटक यहां आते हैं। इन पहाड़ियों में ऑर्किड और चाय के बगान भी मौजूद है, जो इसे अगरतला का मुख्य पर्यटन स्थान बनाता है। नंबर 9 पर आता है जगन्नाथ मंदिर। अगरतला में स्थित जगन्नाथ मंदिर त्रिपुरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को ओडिशा के पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर द्वारा दान किया गया था। मंदिर की संरचना हेमपंथी और अरबी शैलियों में निर्मित है। हालांकि मंदिर के आंतरिक डिजाइन में एक मजबूत हिंदू शैली का प्रभाव नजर आता है। मंदिर के खंभे और दीवारों में भगवान कृष्ण की कहानियों को चित्रित किया गया है। नंबर 8 पर आता है कैलाशहर। अगरतला के पास एक पर्यटन स्थल कैलाशहर एक बार त्रिपुरा साम्राज्य की राजधानी थी, और इसके शाही इतिहास के प्रमाण आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। एक ऐसा शहर है जिसे शाही और महत्वपूर्ण अतीत से पहचान का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, जिसके निशान अभी भी शहर के आसपास देखे जा सकते हैं। कैलाशहर न केवल अपने मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि एक लोकप्रिय ट्रेकिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रसिद्ध है। नंबर 7 पर आता है ऊनाकोटी। एक लोकप्रिय धरोहर है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित है। यहाँ आप अनगिनत सुंदर रॉक कट नक्काशी और भित्तिचित्र पा सकते हैं। ये नक्काशी 7 से 9वीं शताब्दी की है और एक प्राचीन तीर्थस्थल भी है, जो दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के कई नक्काशी में भगवान शिव के जीवन के साथ साथ हिंदू पौराणिक कथाओं के अन्य उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। नंदी बैल, भगवान राम, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और भगवान गणपति की मूर्तियाँ भी यहाँ देखी जा सकती है। ऊनाकोटी लंबी पैदल यात्रा, ट्रेकिंग और अन्य गतिविधियों के लिए एक अच्छी जगह है। नंबर 6 पर आता है हेरिटेज पार्क। 12 एकड़ क्षेत्रफल में विस्तृत हेरिटेज पार्क त्रिपुरा की आदिवासी और गैर आदिवासी संस्कृतियों का अद्भुत चित्रण करता है। 1 किलोमीटर का पैदल यह रास्ता इसके चारों ओर से गुजरता है, जहां से पर्यटक पूरे परिसर का जायजा ले सकते हैं। इस पार्क का मुख्य आकर्षण ऊनाकोटी की मूर्तियाँ, उज्जयंत महल, नीरमहल, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पत्थरों से निर्मित मूर्तियों इत्यादि के लघु संस्करण है। इसमें एक थिएटर भी है जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। नंबर 5 पर बाइसन और राजबाड़ी नेशनल पार्क। तुष्णा वन्यजीव अभयारण्य में स्थित राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। त्रिपुरा में स्थित ये पार्क 31.63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पार्क अपने सुरम्य वातावरण के कारण देश भर में बहुत प्रसिद्ध है, जो त्रिपुरा की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध भारतीय बाइसन, हिरन, गोल्डन लंगूर, तित्तर और ऐसी कई प्रचलित प्रजातियों सहित विभिन्न जंगली जानवर यहाँ देखे जा सकते हैं। नंबर 4 पर आता है सफाई जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विभिन्न प्रकार के वन्यजीव और प्रिमरिस्ट के लिए यह स्थान न केवल एक वन्यजीव अभयारण्य है, बल्कि एक शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्र भी है। अभयारण्य के भीतर विभिन्न झीले मौजूद है, जहाँ नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। नौका विहार सुविधाओं, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एलिफेंट सवारी, रबर और कॉफी बगान पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करती है। पशु प्रेमियों के लिए यहाँ चश्माधारी बंदर काफ़ी प्रसिद्ध है। बंदरों की ये प्रजाति केवल इसी अभयारण्य में देखने को मिलती है। नंबर 3 पर आता है माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा के अगरतला से लगभग 55 किलोमीटर दूर उदयपुर में स्थित एक सुंदर मंदिर है।
ए भव्य मंदिर 500 साल पुराना है। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और वो स्थान है जहाँ सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। अपने इतिहास और सुंदरता के कारण इस मंदिर में साल भर पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। इस गौरवशाली मंदिर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि एक कछुए आकार का है और इसे गुरुमा पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में स्थित मछली से भरे टैंक में स्नान करने के लिए दीपावली उत्सव के दौरान भक्त यहाँ आते हैं। ये शानदार मंदिर त्रिपुरा में सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल है, जहाँ रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। नंबर दो पर द लेक पैलेस ऑफ त्रिपुरा या नीरमहल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा महल है। ये महल पूर्व शाही राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के महान दृष्टिकोण का परिणाम है। ये राजा और उनके परिवार के लिए ग्रीष्मकालीन महल था। नीर महल में शाम को लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराई जाती है। हर साल महल में जलोत्सव भी आयोजित किया जाता है, इसलिए आप जब भी अगरतला जाएँ तो इस महल की यात्रा करना ना भूलें। नंबर एक पर उजयंत पैलेस त्रिपुरा का एक शाही महल है जो अगरतला में स्थित है। इससे पहले 2011 तक त्रिपुरा विधानसभा के लिए बैठक स्थल के रूप में इसका उपयोग किया जाता था और अब ये संग्रहालय और अगरतला के एक पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रसिद्ध है। 28 हेक्टेयर में फैले इस महल में कई हिंदू मंदिर है जो लक्ष्मी नारायण, उमा माहेश्वरी, काली और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। महल में सार्वजनिक हॉल, सिंहासन हॉल, दरबार हॉल, पुस्तकालय और स्वागत हॉल शामिल है। उज्जैन पैलेस पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। महल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है और सोमवार को बंद रहता है।